हेलो एंड वेलकम टू किचन गार्डन। उम्मीद है आप सब लोग मजे में होंगे, खैरियत से होंगे, खाते पीते होंगे। आज किचन गार्डन में बनने जा रहे हैं मफिन्स, जो हम बनाएंगे तीन डिफरेंट फ्लेवर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनाब, सबसे पहले हम बनाएंगे डो। डो के लिए मैंने यहाँ बॉयल लिया है और बॉयल में जा रहा है मैदा। 2.5 कप में यहाँ पर मैदा ले रही हूँ, 2.5 कप। और मैदे में जाएगी हमारी चीनी। 1/2 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, ये चीनी चली गई। इसके साथ ही जाएगा बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा के बाद हम डालेंगे इसमें नमक 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया है मैंने। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और इसके बाद हम इसके अंदर जो वेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम ये साइड पे चले गए और यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया और इस बॉल में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अंडे। 2 अदद मैं यहाँ पर अंडे ले रही हूँ। ये 2 अंडे जा रहे हैं हमारे इस बॉल में। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। और अंडों के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ऑयल हमारे मफिन्स को अंदर से बहुत ज़्यादा नरम और मॉइस्ट बनाएगा। मैंने लहसुन डाला है 1/2 टीस्पून, मैंने लहसुन लिया है। और दूध, दूध यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/3 कप, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने दूध लिया है यहाँ पे। ये चला गया दूध भी। और इन चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से इनको मिक्स हमने कर लिया जनाब। और इसके बाद अब हम अपने वेट और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को करेंगे मिक्स। ये जो हमने अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मिक्स किए थे ये आ गए, और इसमें जाएगा हमारा ये अंडे, ऑयल और लहसुन का पैटर। ये मैंने एक वेल सा बना लिया है और इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ हमारे वेट इन्ग्रीडियंट्स को। ये चले गए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। कभी भी ड्राई और वेट इन्ग्रीडियंट्स को एक साथ मिक्स ना कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कीजिए और देखिए आपको कितनी ज़रूरत है। ले जी जनाब, ये हमारी बैटर मिक्स हो रहा है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना है। ये हमारा मिक्स हो गया और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 अदद बॉल, क्योंकि हम बना रहे हैं 3 फ्लेवर्स। तो हम इस अपने जो मिक्सचर है इसको 3 इक्वल हिस्सों में करेंगे डिवाइड। ले जी, ये देखिए, ये हमने 3 इक्वल हिस्सों में इनको डिवाइड कर लेना है मिक्सचर को। मैंने मेजरिंग कप की मदद से इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे पहला फ्लेवर जो है बनाना मफिन्स। ये मैंने लिया है 1 मैश्ड बनाना और इसको मैंने कर दिया है अपने मफिन्स के बैटर में अच्छी तरह से मिक्स। और जनाब, ये हमारा पहला मफिन फ्लेवर हो गया रेडी। अब बारी है दूसरे फ्लेवर की। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सिनेमन पाउडर लिया है और 1 ग्रेटेड एप्पल। इसको मैंने छिलके समेत कद्दूकश कर लिया है एप्पल को। ये चला गया इसमें और ये एप्पल सिनेमन मफिन फ्लेवर हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। और ये जा रहा है साइड पे। और अब हमारा तीसरा फ्लेवर हम रेडी करेंगे जो कि है डबल चॉकलेट। ये मैंने कोको पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप चॉकलेट चिप्स। इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। लीजिए, और ये हमारा थर्ड फ्लेवर भी हो गया जनाब रेडी। यहाँ पे मैंने ये एक मफिन टिन लिया है, कपकेक टिन भी है जिसको कहते हैं, और इसमें मैं यहाँ पर अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर रही हूँ टिन को। और इसको ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पर ये लाइनिंग्स लगा रही हूँ, जो कपकेक की लाइनिंग्स होती हैं वो मैं लगा रही हूँ। मफिन्स को यूजुअली इसी तरह से विदाउट लाइनिंग भी बेक किया जा सकता है। मैंने इसमें ये लाइनिंग लगाई है और इसके बाद 1 बाय 1 मैं अपना ये बैटर इस टिन में डालूंगी। ये देखिए जनाब, एक एक करके हम इसको फिल करेंगे। बिल्कुल ऊपर तक मैं इसको फिल नहीं कर रही हूँ, एक एक करके मैंने इन तमाम लाइनिंग्स को फिल करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, हमारे 3 जो है फ्लेवर्स रेडी हैं आपके सामने, एप्पल सिनेमन, डबल चॉकलेट और बनाना मफिन। इसके साथ ही हम दूसरे जो हमारे खाली हैं इनको भी हम जल्दी से फिल कर लेंगे जनाब। लें जी, इसको भी हमने कर लिया है अच्छी तरह से 1 बाय 1 फिल। और अब हमारे मफिन्स हैं बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी। और अब इनको मैंने प्री हीट कर लिया है
पहले से ही 25 मिनट से मैंने उसको प्री हीट करके रखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अब ये हमारे मफिन जाएंगे बेक होने, और बेक हम इन्हें करेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये अच्छे तरह से प्यारे से ये देखिए गोल्डन कलर में ना आ जाएं। जनाब मफिन हमारे रेडी हैं, अवन से बाहर निकालने के बाद आप इन्हें 10 मिनट तक के लिए कूल डाउन कीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।